अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। एक किसान ने मरने से पूर्व अपने दोनों पुत्रों से कहा, मेरे बच्चों, मेरे पास जो कुछ भी तुम्हें देने के लिए है उसे मैं तुम दोनों को बराबर बराबर देता हूँ। मेरी सारी संपत्ति इन खेतों में है, इनमें पर्याप्त अन्न पैदा करके तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। यह ध्यान रहे कि मेरी सारी पूंजी इन्हीं खेतों में छिपाई हुई है, आवश्यकता पड़ने पर उसका वियोग कर सकते हो। इतना कहकर किसान ने अंतिम सांस ली। पिता के मरने के बाद लड़कों ने खेतों में छिपाई गई पूंजी पाने के लिए समस्त खेत खोद डाला, पर कुछ नहीं मिला। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके सत्यवादी पिता ने कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर मरते समय क्यों झूठ बोलेंगे। गड़ा धन न मिलने का उन्हें कोई क्षोभ नहीं हुआ। उन्होंने संतोष पूर्वक बीज बो दिए और फसल पकने पर खेत में अपूर्व अन्न उत्पन्न हुआ। उतना अन्न गांव में किसी भी खेत में नहीं हुआ था। हम लोगों ने पिता के कहने का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने चलते समय खेत को अच्छी तरह कमाने की सत्य शिक्षा दी थी और उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोगों ने इतना अन्न प्राप्त किया। दोनों लड़कों ने मनी मन पिता को धन्यवाद दिया और स्वर्गीय आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट की। उन्हें समझ आ गया था कि उन्नति का मार्ग मात्र श्रम है। श्रम की महत्ता समझनी चाहिए, लेकिन यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि श्रम सार्थक है या निरर्थक। श्रम करें लेकिन सही दिशा में, जो व्यर्थ ना जाए।